दो व्यापारी अपना माल बेचकर वापस लौट रहे थे। रात बहुत हो गई थी। सामने घना जंगल था। रात में जंगल पार न करने का निर्णय लिया और वो पास ही के गांव में चले गए। गांव में एक जमींदार के घर पहुंचे। जमींदार को अपना परिचय दिया और एक रात रुकने की बात बताई। बाजार में माल बेचकर मिली हुई रकम की पोटली कमर में बांधी थी। वो जमींदार ने भी देखी। उन्हें अपने ही घर में अपने बेटों के कमरे में रात गुजारने का प्रबंध किया। उसने भी पैसों की पोटली देखी दी। जमींदार के मन में लालच छूटा। उसने दो लुटेरों को बुलाया और मेरे बेटे के कमरे में जो दो लोग सोए हैं उन्हें खत्म कर दो, मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। ऐसा कर उन्हें भेज दिया। सवेरा हुआ। जमींदार बहुत खुश था। घर में से बाहर आया। सामने गौशाला में से दो लोग बाहर आए। वो रात के व्यापारी थे। जमींदार को आश्चर्य हुआ। जमींदार ने व्यापारी से पूछने पर पता चला कि उसी के दोनों बेटों ने उन्हें रात में अपने कमरे से निकालकर पशुशाला या गौशाला में जाकर सोने के लिए कहा था। व्यापारी चुपचाप बाहर निकल गए और पशुशाला में जाकर सो गए। ये सुनकर जमींदार अपने बेटों के कमरों की तरफ दौड़ा चला गया। कमरे में उसके दोनों बेटों की मौत हो गई थी। उसे देखकर जमींदार फूट फूट कर रोने लग गया। लुटेरों ने गलती से उसी के बेटे को मार दिया। उसी का लालच उसी पे भारी पड़ गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है दोस्तों कि कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। स्वयं भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने कर्म के बारे में या लॉ ऑफ कर्म के बारे में बताया है। हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।